कहीं की मुझे तो लगता था तू गेहूं पिसती है, पर तू तो अपने पल्लू में गेहूं छुपाकर ले जाती है। निकल मेरे घर से। मुझे माफ कर दो भाभी, हमारे पास खाने के लिए एक दाना तक नहीं था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अरे तुम लोग मेरे रिश्तेदार हो, इसीलिए दया कर कर तुझे मैंने अपने घर पे काम पर रख लिया, पर तू और तेरा पति हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर उतारू हो चुके हैं। आपको मुझे जितनी गालियां देनी है दीजिए, मानना है तो मार भी लीजिए भाभी, पर मुझे काम से मत निकालिए। परिवार की बात है, वरना कोई और ऐसा काम करता ना तो धक्के मार कर कब से घर का बाहर निकाल दिया होता। रोते रोते शांति अपने घर चली जाती है, जहां उसका नशेड़ी पति कहता है, अरे कहां रह गई थी कामचोर, इतनी देर क्यों कर दी, आज पैसे लाई कि आज भी खाली हाथ वापस आ गई है। अपने हाथ दिखा, जरूर पैसे छुपा लिए ताकि मैं दारू ना पी पाऊं। नहीं जी, मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी, और अभी आप दारू पीने की बात कर रहे हैं, उसी कारण तो आज हम लोगों की ये हालत हो गई है। किसी काम की नहीं है तू, बिना मार खाए समझेगी नहीं, रख अभी तेरे होश ठिकाने लगाता हूँ। रामलाल शांति को बहुत मारता है, शांति का मन दुखी हो जाता है और वो गांव के तालाब के पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैं तो रामलाल जी की फिक्र करती हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे इतना मारा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटी, चिंता क्यों करती हो। ये आवाज कहाँ से आ रही है। शांति अपने आसपास देखती है, उसे कोई नहीं दिखता। वो ऊपर देखती है, जहाँ उसे एक छोटी सी परी दिखती है। आप कौन है, आप तो कोई परी लगती हैं। हाँ बेटी, मैं इसी पेड़ पर रहती हूँ, मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी, अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अपनी आंखें बंद करो। शांति आंखें बंद करती है और जादुई परी अपनी छड़ी घुमाती है, उसकी छड़ी घुमाते ही पेड़ के सारे पत्ते सुनहरे रंग के हो जाते हैं। परी उनमें से एक पत्ता तोड़ लेती है और फिर से अपनी छड़ी घुमाती है, जिसके कारण सारे पत्ते पहले की तरह साधारण से दिखने लगते हैं। आंखें खोलो बेटा, लो इस पत्ते को ले जाकर अपने तकिए के नीचे रख देना। ये तो एक साधारण पत्ता है, इससे क्या होगा। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं इसे रख लेती हूँ। शांति उस पत्ते को लेकर अपने घर जाती है और अपने कमरे में तकिए के नीचे रखकर सो जाती है। सपने में उसे वही पेड़ वाली जादुई परी दिखाई देती है। बोलो शांति, क्या चाहिए तुम्हें। मैं चाहती हूँ हम बहुत अमीर हो जाए और मेरे पति नशा करना छोड़ दे, उन्हें कोई काम भी मिल जाए। कल जब तुम सुबह नींद से जागोगी, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई होगी। अगली सुबह शांति नींद से जागती है, अपने आसपास का नजारा देखकर चौंक जाती है। उसके बिस्तर पर चारों तरफ सोने चांदी रखे हुए थे। हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, इतना सारा सोना, वो भी मुझ गरीब के पास। रामलाल जी को बताती हूँ, वो बहुत खुश होंगे। शांति जैसे ही कमरे के बाहर जाती है, वो देखती है कि रामलाल सूट बूट पहने काम के लिए बाहर जा रहा होता है। मुझे शहर में एक नौकरी मिल गई है शांति, मुझे आने में देर हो जाएगी, घर का ध्यान रखना। और इस तरह शांति बहुत अच्छा जीवन बिताने लगती है, उसके पास अब किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती। रातों रात शांति के पास आए इतने पैसों को देखकर उसकी जिठानी उससे पूछती है, अरे क्यों रे शांति, कहीं बड़ा हाथ मारा है क्या, अचानक तुम लोगों के पास इतना पैसा कैसे आ गया। नहीं नहीं भाभी, ये सब तो जादुई परी के दिए हुए पत्ते का कमाल है। शांति जादुई पत्ते के बारे में सारी बात चंदा को बताती है, जिसे सुनकर चंदा के मन में लालच आ जाता है और वो झूठ मूठ रोते हुए उसी पेड़ के नीचे जाती है, जहां उसकी रोने की आवाज सुनकर जादुई परी कहती है, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं, अब मैं जीना नहीं चाहती। चिंता मत करो बेटा, अपनी आंखें बंद करो। जादुई परी चंदा को भी उसी पेड़ का एक पत्ता देती है और तकिए के नीचे रखने को कहती है।
चंदा उस पत्ते को लाकर अपने तकिए के नीचे रख लेती है और अगली सुबह जब उठती है तो उसके कमरे में चारों तरफ सांप बिच्छू रहते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। ये कैसा पत्ता है जिसे लाने के बाद उस गरीब शांति के पास तो इतना सारा सोना आ गया और मेरे चारों तरफ ये सांप बिच्छू। अरे कोई बचाओ। चंदा अपनी जान बचाती हुई शांति के पास जाती है। चलिए भाभी, मुझे लगता है आपके घर में सांप बिच्छू को बस जादुई परी ही हटा सकती है। दोनों मिलकर जादुई परी के पास जाते हैं। ये सब तुम्हारे बुरे इरादों का नतीजा है चंदा, तुम झूठ मूठ बस पैसे के लालच के कारण यहाँ आकर रो रही थी, इसीलिए तुम्हें जादुई पत्ते ने उसकी सजा दी। अरे मुझे माफ कर दीजिए जादुई परी, मेरे मन में लालच आ गया था। अरे शांति तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, फिर भी तुम मेरी मदद के लिए आई। चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए जादुई परी उसके घर से सारे सांप बिच्छू को गायब कर देती है। चंदा और शांति आपस में मिलजुल कर रहने लगती हैं।